Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Dare or Six Wet Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली उनका अगला कदम क्या होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरेशन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जानते ही है कि मैं हमेशा वेरीफाई करती हूँ, हर एक कार्ड को, हर एक चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा एंड देन हम इसका विश्लेषण करेंगे। सो देख लेते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है क्या सोच रहे हैं। आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे? बाय कीपिंग देयर फोटो, और आप उनका नाम याद कर सकते हैं, ऑफ कोर्स रिपीटेडली उनका नाम ले सकते हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है, दो कार्ड यहाँ पे है। इट्स लाइक द फाइव ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ एथम्स। दोनों कार्ड ही जबरदस्त है एकदम। यूनिवर्स में गाइड्स फाइव ऑफ वैंड्स, ओके, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, ओके। अच्छा, यहाँ पे है एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर से फाइव फाइव, ओके, सिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और क्वीन ऑफ कप्स के नीचे है एट। सो हो सकता है एट मंथ लाइक मे महीना, ठीक है, ऑगस्ट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बेसिकली मैं कुछ क्लूज देना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि सब लोग बोलते हैं मैम थोड़ा ऐसा समझ में आए, थोड़ा क्लूज दीजिएगा कि आप ही का ही रीडिंग है। ऐसे देखो जनरल प्रेडिक्शन है, सो फिर भी मैं बोलना चाहूँगी आपको। ये ऐसे देखो, जब ये स्टूडेंट है या अगर आप ये स्टूडेंट है, सो पढ़ाई के मामले में काफ़ी होशियार है, ठीक है, पढ़ाई इनके लिए बहुत अहमियत रखता है। अगर ये एक मैच्योर मैन है या वुमेन है, सो इनके लिए बेसिकली इनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इनकी आँखों से ही आपको महसूस हो जाता है ये बहुत कॉन्फिडेंट है। एकदम छोटे जब थे तभी से ही उन्होंने ना कुछ प्लानिंग या डिज़ाइनिंग या ऐसा ही इनके दिमाग में ना सब कुछ हमेशा चलते रहता है। दिस पर्सन इज़ नॉट लेजी, बेसिकली ये एक्टिव पर्सनैलिटी है। डेफिनेटली कभी भी नहीं ना, ऐसा नहीं कि अरे आराम फरमाते बाद में देखा जाएगा चलो जाने दो, ऐसा कुछ नहीं। स्पेसिफिकली अपने कैरियर में टीम वर्क कर सकते हैं, बट टीम वर्क करने का इनका मेन इरादा यही है, जस्ट मेटेरियलिस्टिक एंड नथिंग अदर देन दैट। वरना ये अकेले ही काम करने में काबिलियत रखते हैं, दे आर सेल्फ सफिशियंट बेसिकली, यू नो दैट। तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंट किस्म का इंसान है। अभी ये इंसान कोई भी एनजीओ या कहीं पे भी काम कर सकते हैं ना। बेसिकली अगर हम आ जाते हैं इनके फीलिंग्स के ऊपर, जो आज का मेन मुद्दा है वो है आपके पर्सन स्टॉक तो कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट दे आर स्टॉकिंग यू, क्यों स्टॉक कर रहे हैं? क्योंकि देखो जितना वो आपको जानते हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है। ये इंसान कभी भी जिंदगी में बहुत कुछ चीज़ भी हासिल कर पाए, ठीक है, तभी भी ये संतुष्ट नहीं होंगे। अगर इनको स्पेस में भी भेजा जाएगा, कोई नया प्लैनेट में भी भेजा जाएगा ना, तो ये कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। ये बोलेंगे और मोर मोर मोर, ये दिल मांगे मोर, ठीक है। तो ये इंसान इसी तरह से है, हमें चाहिए और चाहिए हमें। तो जितना आप बोलते हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता है ये ट्रूली आपके भाषा या कोई भी जो भी चीज़ आप बोलते हैं, दे कम्प्लीटली ट्रस्ट यू, नो दे डोंट ट्रस्ट, दे डोंट ट्रस्ट दैट मच। सिर्फ आपको नहीं, किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते हैं बेसिकली, अगर आप उनसे सेपरेटेड हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली इनको लग रहा है कि जैसे होता है ना कि एक सेट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ
खरीदने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर डिनर सेट है तो 6 लोगों के लिए आपने डिनर सेट खरीदा और 6 लोगों को आपने इनवाइट कर लिया और आपने देखा कि उसमें से 4 गया, ठीक है, बिल्कुल आपके हाथों से 4 जो है प्लेट्स जो है वो गिरे और अभी उस डिज़ाइन का तो सेम मैच हो ही नहीं रहा है। तो ये इंसान जो है मुझे दिख रहा है आपको खोने के बाद वही अफसोस कर रहे हैं कि काश मेरे ज़िंदगी जो है अभी कंप्लीट होता, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है अभी। क्यों मैं आपको बता रही हूँ, देखो जब ये प्रकृति है, प्रकृति में क्या होता है, सृष्टि में क्या होता है, यहाँ पे खालीपन भी होगा, ये भर भी जाएगा, घाव भर भी जाएंगे, लेकिन इनको सबर नहीं है, इनको अभी चाहिए आपके साथ कनेक्शन, अभी चाहिए, राइट नाउ दे वांट। ये देखो जब ये शाखाएं जो है इसमें कोई पत्ता नहीं है, राइट, इसमें कोई लीव्स नहीं है, क्यों? क्योंकि जब ड्राई सीजन होता है तो इसमें से पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं, सो सब कुछ तो एवरग्रीन हो नहीं सकता। लेकिन ये देखो विद द 8 of Wands दे वांट एवरी टाइम, ओके, एवरी टाइम टू बी एवरग्रीन। वो ऐसा ही चाहते हैं कि हर एक वक्त जो है वो एवरग्रीन रहे आप दोनों के साथ। बदमाशी ये करेंगे, ठीक है, जानबूझ के ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और चाहेंगे इनकी ज़िंदगी में हरियाली बने रहे। सो किस तरह के इंसान ये है अब बताओ सर। नाउ बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट ये ऐसे भी इंसान हैं कि अपने टीम के साथ तो ये काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन बात जब आता है पर्सनल इश्यूज़ का तो ये हैंडल नहीं कर पाते हैं सही से। बिकॉज ऑफ द टू मच ओवर प्रोफेशनल एटीट्यूड दे कैनॉट हैंडल द पर्सनल थिंग्स, वो नहीं कर पाते, ठीक है। बेसिकली उनके पीछे भी यही रीज़न है कि ये जब भी बात आता है कि हाँ व्यक्तिगत जीवन का, तो ये इंसान ऐसे सोचता है काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा होता। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये जानबूझ के आपको अपने ज़िंदगी से हटा चुके हैं, क्योंकि इनको ऐसा जगह पे शिफ्ट होना था, इनको ऐसे इंसान के साथ सेटल होना था जो उनकी मेटेरियलिस्टिक मतलब उनके पैसों को, ठीक है, पूरा करें। मे बी जब इन्होंने आपको छोड़ा तब आप भी बहुत ज़्यादा असहाय, जैसे बोला जाता है ना, आप होपलेस थे, मे बी आपके पास जॉब नहीं था, मे बी आप कुछ फाइनेंशियल क्रंच से चल रहे थे, मे बी आपके पेरेंट्स भी आपके साथ नहीं थे उस वक्त, आप हॉस्टल में रह रहे थे, बहुत कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन तो हो ही रहा होगा आपके साथ। तो कहीं ना कहीं पे जैसे इन्होंने आपके साथ रिश्ता तो रखा लेकिन कुछ समय के बाद एक ओपन रिलेशनशिप बना दिया, तो इन्होंने आपको कह दिया होगा दे आई वांट टू बी इन एन ओपन रिलेशनशिप, अगर आप मेरे साथ फिजिकल कनेक्शन रखना चाहते तो रखे, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकती। जब आपने पूछने की कोशिश किया है इनको, तब इन्होंने कुछ और ही एक्सक्यूजेस बना के आपको बोल दिया कि देखो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, नो व्हाट यू वांट आई कैन नॉट प्रोवाइड यू एट द मोमेंट, हाँ बाद में हम सोचेंगे, ठीक है। अभी भी अगर आप बोल रहे हैं इनको तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान प्रिटी, दे आर मिसिंग यू अ लॉट, दे वांट यू इन देयर लाइफ, बट मोर और लेस आई डू फाइंड लाइक दैट कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, अभी का बात मैं नहीं बोल रहा, मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म मैरिज। उस दौरान वो लॉन्ग टर्म मैरिज के लिए, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए वो अग्रीड नहीं थे। दो बात, दो रीज़न खुल के सामने आता है, एक तो है अपना करियर और दूसरा है कोई और रिलेशनशिप। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ तो 100% ट्रूथ है कि यहाँ पे उन्होंने आपके साथ बिल्कुल बराबरी का रिश्ता तो नहीं रखा। आप इतना काइंड हार्टेड है, जिस तरह सबको पता है अदिति देवी जो है, अदिति देवी शायद कौन मुनि ऋषि थे, आई फॉरगॉट, आई एम वेरी सॉरी, वो उनकी वाइफ थी और उनके अंदर एक इतना मदर अर्ली एटीट्यूड था, केयरिंग एटीट्यूड है। सो वो अदिति देवी एक्चुअली हर एक मतलब हर एक बच्चे को अपने ही मानती थी और उनको बहुत लाड प्यार करना, जिसको भी देखो प्यार करना, ममता से भरा हुआ एक मूर्ति आप समझ सकते हैं, एंड शी वॉज गॉडली बेसिकली, ठीक है। अदिति देवी है किसी का अदिति यहाँ पे नाम, जरूर लिखना कमेंट सेक्शन पे। सो आई डू फाइंड
बहुत कुछ आपके तरफ से आपने निभाया, क्योंकि आप तो उनको अपना मानते थे, और जिनको हम अपना मानते हैं तो हम तो उनके लिए फिदाई हो जाते हैं, हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। आप शायद इनको बोले थे कि आपके घर में आ जाओ, ठीक है, आप मेरे मम्मी पापा के साथ बात करो, फिर आप रिश्ते को आगे बढ़ाओ, आप मेरे घर में आओ, मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बना सकती हूँ, ये सब कुछ चीज़ बहुत आपने इम्प्रेस करने की भी कोशिश किया। बट रिजल्ट तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दैट पर्सन डिड नॉट रेस्पेक्ट यू। बेसिकली रिकॉग्नाइज करना भी बहुत बड़ा बात है। जिस तरह से कभी कभी हम कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारे हुनर रहते हुए भी बहुत पार्शियलिटी होता ही है। हाँ, हमेशा ही पार्शियलिटी, मतलब हर हर इंसान के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है नहीं, तो वहाँ पे भी पार्शियलिटी होने के बावजूद मतलब होता है, और कोई और रिक्रूट हो जाता है, ठीक है, जो डिजर्व भी नहीं करता। तो इसी तरह से आप भी उनके रिक्रूटमेंट में रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने आपको रिफ्यूज किया। अभी तो आपको लग रहा होगा माय डियर, चल जा, हट, जाने दें अभी, है ना, आपको लग रहा है कि अरे कौन मुझे रिक्रूट करेगा, मुझे रिफ्यूज करेगा। बिकॉज नाउ आई डू फील दैट भले ही आप इमोशनल हो इस इंसान के लिए, कदर है आपका इस इंसान के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप स्ट्रांग भी पहले से बहुत ज़्यादा हो चुके हो। यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू रिकॉग्नाइज द डेप्थ, आप पूरी तरह से गहराई को समझते हैं, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप भी देखना चाहते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक जाता है। नाउ लेट्स वेरीफाई। सो पेज ऑफ एथम्स, जो पेज ऑफ स्वर्ड्स है वो क्यों है, मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है काफ़ी लीन होंगे, थोड़ा अगर मेल है तो टॉल बॉडी एंड लीन, मतलब उतना ज़्यादा फैट है नहीं इनके बॉडी में। अगर ये फीमेल है तो एवरेज टू शॉर्ट हाइट, शॉर्ट टू एवरेज हाइट, एंड थोड़ा सा बबली टाइप पर्सनैलिटी, एंड ब्लैक हेयर, टू मच ब्लैक और ब्लॉन्ड हेयर। देखो पेज ऑफ एथम्स, ये इंसान जो है आपके बारे में क्यों इतना जानकारी हासिल कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको जीतना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। अगर वो आपके बारे में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो वो मतलब उसका मतलब कुछ है ही नहीं, बट ये आपके लिए इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन यू। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप सक्सेसफुल। ये इंसान इस रिलेशनशिप को, इस संबंध को एक हाइट तक देखना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे लिए मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, एनीथिंग कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वो हमारा एक जरिया है, वो हमारा एक साइन है कि हम किसी ना कहीं जगह से हमको अवार्ड मिला है, हम लोगों को दिखा सकते हैं, लोग जान सकते हैं। तो उसी तरह से इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए ये इंसान जो है लगभग सब कुछ स्टडी कर रहे हैं, मतलब क्या है ये आपके बारे में सब कुछ जान के ही ये ठोस निर्णय पे आएंगे। ओके, फाइव ऑफ कप्स क्यों है, देखो आपको क्यों उन्होंने अकेला छोड़ा। जैसे मैंने आपको कहा कि शायद उनके पास बहुत सारे नौकरी का ऑप्शंस होंगे, या हो सकता है कि इनका जो जीवन है, ठीक है, वहाँ पे बहुत अदर ऑप्शंस में से हो सकता है कि मे बी लाइफ पार्टनर का ऑप्शंस, या उन्होंने सोचा कि मुझे दाल चावल में मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे और भी चीज़ चाहिए, प्राप्त करना है मुझे, ठीक है, तो मुझे ऐसे ज़िंदगी चाहिए, आई वॉन्ट टू लीव लाइफ लाइक अ किंग साइज और अ क्वीन साइज बेसिकली। सो आई डू फाइंड कि अगर आपका क्वेश्चन है कि क्यों वो आपको छोड़ के चले गए, क्यों ऐसा हुआ, सो देयर वेर एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, बट उन्होंने देखा सारे जो दरवाजे हैं कहीं ना कहीं पे वो आप ही के तरफ जाके आते हैं, बिकॉज यू आर जेन्युइन। और जेन्युइन और बोनाफाइड इंसान जो होते हैं, जेन्युइन एंड बोनाफाइड इंसान जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका कदर हमेशा रहेगा, सच्चाई जो है वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, उसका तर्क और वितर्क करने से कुछ होता नहीं है, जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो तो उसका अस्तित्व है ही नहीं ना फ्रेंड्स, उसका अस्तित्व है नो। सो व्हाई दिस फाइव ऑफ वैंड्स, ओके,
यहाँ पे है हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि फाइव ऑफ ऐसा देखा जाए तो दिट्स अ डिस्प्यूट लाइक कॉन्फ्लिक्ट, बहुत प्रॉब्लमेटिक। तो ये इंसान जानबूझ के आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, क्यों क्रिएट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज द मून कार्ड ऑलवेज इंडिकेट्स द डार्कनेस, द सीक्रेसी, ठीक है। कुछ ऐसा है जो चीज़ है जो आपके सामने वो लाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। कुछ है अंडर द वाटर, समथिंग इज देयर, दे डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग इट ओके इन फ्रंट ऑफ यू, और उस बात को लेके ही आप दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए। Why this eight of chalices? देखा eight of chalices है यहाँ पे, देखो ये इंसान क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्होंने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आपको जो दर्जा देना था वो नहीं दिया। अभी उनको सारे चीज जंगली लग रहा है, राइट, दे आर फीलिंग एवरीथिंग इज वाइल्ड ना वेरी मच, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है। बट यू आर दैट रोज इन द वाइल्ड, समझ में आ रहा है ना। आप कदर देखो इस इंसान का, 15 है, शुक्र के नंबर है यहाँ पे। नाउ योर ब्यूटी, योर चार्म, आपकी जो चार्म है, आपकी जो एक कॉन्फिडेंस है बोल सकते हो, आपकी जो एक सुंदरता है, आपकी जो एक ग्लो है, उनको आकर्षित वो कर रहे हैं। अभी आपके स्टेटस देके इनका पश्चाताप इस तरह से हो रहा है कि काश मैंने इनका ऑफर ले लिया होता, कुछ कर दिया होता, तो मेरी जिंदगी आज ऐसा नहीं होता। तो मैंने जो सोचा था उसका बिल्कुल विपरीत सीन यहाँ पे हुआ। उन्होंने सोचा कि कोई और रिलेशनशिप में जाके उनको बहुत मजा है, शायद आप हस्बैंड वाइफ भी है उनको लगा। बट अभी देखो इनका हालत देखो, ठीक है। सो देर आर एट कप्स, देर आर नॉट 10 कप्स, राइट। वो कैसे खुश होंगे? पेज ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? मैजिशियन एंड द मिरर, देखो यहाँ पे भी एक मैजिक का छड़ी मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ आई डू फाइंड लाइक दैट कि इन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं किया था, अभी ये समझ रहे हैं मैंने जो यहाँ पे बाउंड्रीज बनाया था ये मैंने इतना बेवकूफ़ी का काम क्यों किया। शायद आपको ब्लॉक किया या आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया या आपके जो मतलब आपको एक साइड ऑप्शन रखा कि ठीक है ये अगर ना मानती है या ना मानते हैं तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी या उसके साथ चला जाऊंगा, इस तरह से है। सो कहीं ना कहीं पे दे फॉरगॉट दैट यू आर मेड फॉर ईच अदर, राइट। सो यहाँ पे है पानी, यहाँ पे है आग, सो ऑफकोर्स दे मेक अ वंडरफुल कपल बेसिकली। सो द मैजिशियन एंड द मिरर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जो बाउंड्री उन्होंने, जैसे मैं आपको बोल सकती हूँ, आप तो मानते ही है द हॉर्स इज मच मोर क्लेवर इंटेलिजेंट स्पीडी एज कंपेयर टू अ डंकी बेसिकली। सो आप बोल सकते हो कि जैसे एक गधे जैसे काम किया है उन्होंने, और उनका तो होना ही है, उन्होंने इमैच्योरिटी के साथ एक्चुअली डील किया है। उन्होंने जो समझा वो सही नहीं समझा, अभी उनका आंख जो है वो खुला है। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? आई डू फाइंड कि यहाँ पे देखो 27 नंबर वॉकिंग अवे, ये अभी जिस रिलेशनशिप में है वो रिलेशनशिप उनको एक बाउंड्री दे रहा है, रिस्ट्रिक्शन दे रहा है, तो वो वहाँ पे रहना नहीं चाहते, दे वॉन्ट टू लीव दैट फील्ड। चाहे ये जो मकान है इनमें वो काफ़ी हो सकता है कि जिनके साथ उनका अफेयर रहा है, जिनके साथ उनका शादी हो चुका था या हो चुका है, हो सकता है कि बहुत अच्छे घर में ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे दे वॉन्ट टू लीव दिस रिलेशनशिप, दे वॉन्ट टू फ्लाई अवे, ये एग्जिट करना चाहते हैं। क्यों एग्जिट करना चाहते हैं? यू कैन से लाइक दैट, ये एग्जिट इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज आई डू थिंक सो दैट वहाँ पे उन्होंने कोई भी इक्वालिटी उनको नहीं मिला, बराबर का दर्जा उनको नहीं मिला। तो जहाँ पे मिलना चाहिए था वहाँ पे तो उनका कोई कदर नहीं था, और जहाँ पे सोच के गए थे वहाँ पे बहुत अच्छा उनका कदर था। तो अभी भी अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, अगर वो ऐसा आपको फील करवाना चाहते हैं कि हम दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए, तो बेसिकली यही है
कि दे अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट इज इक्वालिटी इन अ रिलेशनशिप। दोनों का हक रहेगा, दोनों बराबर का हक रहेगा, दोनों इक्वली, ठीक है, इस रिलेशनशिप को कामयाब बना सकते हैं। ठीक है, उस तरह से मैं यहाँ पे इस चीज़ को देखती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द सन, सो सन जब आ चुका है और निश्चिंत होके रह जाइएगा कि जो भी होगा, जो भी मतलब ऑन द सरफेस लेवल आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे है सन और यहाँ पे है मून। आप देखो जो वो आपसे सीक्रेट्स छुपा रहे थे वो आपको सामने लेके आएंगे। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये समझते भी है दैट यू आर जस्ट लाइक यू नो व्हाट, सो इनोसेंट, सो क्यूट एंड वेरी मच प्लेफुल ऑल्सो। तो जहाँ पे उनको उनका दिल का सुकून होगा ना, वो वहीं पे रहना चाहेंगे। हमेशा हम सूरज देवता की वेट करते हैं, बहुत बारिश हो गया तभी भी हम ऐसा सोचते हैं, गर्मी में तो हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ऐसा हमारे मन में तो ज़रूर होता है कि सूरज देवता कब आएंगे। सुबह सुबह दिखाई नहीं देते क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल छाया हुआ रहता है। सो बेसिकली वी ऑलवेज सर्च फॉर द सन, और जहाँ पे रोशनी है वो वहाँ पे ही जाते। सो यू आर द लाइट, ऐसे भी है यू आर द लाइट, बिकॉज यू सी विद द क्वीन ऑफ कप्स, यू आर द लाइट, यू आर द, यू कैन से यू कैन बी अ लाइट वर्कर ऑल्सो। बेसिकली आप उनको हील कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, तो उसी तरह से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं देख लेती हूँ उनका जो ठोस निर्णय है या अगला एक्शन है वो किस तरह से होगा। What can be the next action of this person? Please with the universe, what can be the next action of this person? Five of Pentacles, tit for tat hua abhi, sahi mein yaar. Three of Pentacles. So ye insan khud us situation se guzrenge, tab ye jaake aapke paas aayenge with a, you can say that, फॉर्मेलिटी टू प्रपोज यू वंस मोर टू रिकनसाइल विथ यू। अगर ये करेंट रिलेशनशिप आपका अभी भी है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी सारे गम को ये पूरी तरह से मिटाने के लिए आएंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे विल रिमूव योर सॉरो। जब आपके साथ कोई नहीं था तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपका साथ देना चाहते थे और अभी भी देने वाले हैं। सो डोंट इग्नोर दिस पर्सन। अगर कोई इंसान आपका साथ देना चाहते हैं सो डोंट इग्नोर ऑल्सो, सो अप्रिशिएट ऑल्सो दिस रिलेशनशिप। और मुझे यहाँ पे लग रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स हमेशा ही एक बिल्डिंग की बात करती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप को ये इंसान चाहते हैं कि फाइनली बींग अप्रूव्ड बाई द सोसाइटी, बाई द कोर्ट, बाई देयर फैमिली, बाय योर फैमिली, यही है उसका फाइनल रिजल्ट। हम थोड़ा सा देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूज, थोड़ा सा मुझे ना अधूरा लगता है इसलिए। सो लेट मी सी देयर फाइनल एक्शन, व्हाट डू दे फील अबाउट यू विद द हेल्प ऑफ क्यूज। सो यहाँ पे भी सन और मून है और यहाँ पे भी दोनों बुजुर्ग है जो एक ही साथ है। सो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, ऑफकोर्स यू आर स्पिरिचुअली ब्लेस्ड। ओके, आप दोनों का जो संबंध है बहुत ही बहुत ज़्यादा स्मूथ सेल करेगा एकदम आराम से। एंड रिलीफ आपको मिलेगा, देखो फिर भी ये छानबीन करते हैं आपके बारे में। ये जो आपने मेहनत किया, हो सकता है कि आपने किसी के लिए किया हो, बट अ न्यू पर्सन इज कमिंग टू हील यू कम्प्लीटली। शायद आप नहीं जानते या शायद आप जानते हो, और ये इंसान आपकी प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं जो आपकी एक्स की तकलीफों को, ठीक है, मिटा के अपना ही जगह बनाए आपकी जिंदगी में। सो हियर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू अ लॉट, एंड क्लेम दिस रीडिंग इफ यू कैन।